अरे अखिलेश भैया, ये क्या है? ये कौन सा फल है? अरे अभी तक मैंने पके पके आम बिकते हुए देखा था, ये ऐसी क्या चीज है? मुझे लग रहा है ये कच्ची अंबिया है क्या? ये बचपन में मैं खाता रहता था, वही तो नहीं है ये? ये देखो लालू जी भी प्लेट लिए हुए खड़े हैं, ये क्या बना रहे हो आम को छील छील करके? जरा हमको भी बताओ, चखाऊं थोड़ा सा, मुझे भी खाऊं थोड़ा सा, मुझे पता चले ये कैसी क्या चीज़ है, आइटम बेच रहे हो बाजार में लगा करके। तुम्हारे यहाँ कई दिन से देख रहा हूँ बहुत सारी भीड़ हो रही है, तुम्हारा चालान नहीं काटा इसीलिए कि तुम कोई अच्छी चीज़ बेच रहे हो हमको भी खिलाओगे, क्या है ये बताइए क्या चीज़ है? अरे योगी साहब जी, आपको पता नहीं है क्या? ये जानते हो क्या है, जो हमारे आम के पेड़ में छोटी छोटी अंबियाँ लगती हैं ना, अभी ये गर्मी का मौसम आ गया है तो अभी मैं अंबियाँ की चाट बना के बेच रहा हूँ। इसमें जानते हो एक प्लेट 70 रुपये का बेच रहा हूँ, इसमें मिलाता हूँ काला नमक और इसमें मिर्च का पाउडर लगा करके, इसको खा करके जो आदमी खाता है ना मुँह में पानी आ जाता है, पक्का बता रहा हूँ। कभी कभी मैं बेचता मैं हूँ, मुँह में मेरे हमेशा पानी रहता है, इसीलिए बता रहा हूं कि मुंह में पानी तत्काल आ जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां देखो ये लालू जी लेकर खड़े हैं प्लेट, इनको मैं अच्छे रेट में देता हूं। लालू जी तुम खाओ, तुम क्यों खड़े हो, फटाफट खाओ। अरे अखिलेश तुमने क्या कर रहे हो, ये हमारे चाट में तुमने नमक डालना और मिर्ची डालना भूल गए क्या? जानते हो हमारी पसंद है बचपन की ये आमनी है, यह अंबिया मैं बचपन में पेड़ पे चढ़ करके और नमक लगा करके खाता था, लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो आज मैं खरीद करके 70 रुपये प्लेट खाता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें नमक वमक डाल करके बेहतरीन बना दो। अरे अखिलेश चलो फटाफट हमारे और साहब के लिए 2 प्लेट फ्री में लगा दो, क्योंकि तुम्हारा चालान हम कभी नहीं काटते हैं, लगाओ फ्री में 2 प्लेट, क्योंकि हम लोग फ्री में ही खाते हैं, फ्री में खाएंगे। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अरे लालू जी एक बात बताइए, आप कितने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं आम के बगीचे में, देखो कितने कच्चे कच्चे आम हैं, बहुत ही अच्छे आम हैं, लेकिन एक बात बताइए, जैसे हम भी अपने बचपन में कभी ये कच्चे आम को काट करके और थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक लगाकर खाते थे, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आता था, क्या तुम भी खाते थे क्या? लालू जी आपकी ये उम्र बहुत हो गई है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अपने बचपन में क्या खाया है, ये बताइए, आम कच्चे आम खाया कि नहीं खाया? अभी पता नहीं आपके मुंह में दांत हैं कि नहीं है, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने कभी खाया है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे योगी साहब कैसी बात कर रहे हो आप, बताओ हम बचपन में हमारा गांव में इतना आम होता है, इतना आम होता है कि हम लोग जानते हो बचपन में क्या करते थे, यहाँ थोड़ा सा कागज में नमक लेते थे और नमक लेकर के आम कच्चे कच्चे आम वहाँ पे तोड़ करके और फिर बैठ करके अपना बचपना वहीं पे व्यतीत करते थे, और खूब अच्छे से चटपटा लगता था कच्चा आम बिल्कुल खाने में, मौज आ जाती थी। योगी जी तुम बता रहे हो कि मतलब खाया कि नहीं खाया, अरे भैया तुमसे ज़्यादा मेरी एज है, मैंने बहुत सारे आम खाया है, बहुत आम, लेकिन तुमने इतना नहीं खाया होगा। चलो काम कर लेते हैं, तब तक 2-4 आम अब खा ही लेते हैं, मुंह में पानी आ गया बिल्कुल, अब क्या बताऊं। अरे आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, पानी बताऊं, मेरे मुंह में पानी आ गया, खट्टे मीठे की बात कर रहे हो। अब बचपन में मैंने भी आम तोड़ तोड़ कर बहुत खाया था, लेकिन अब नहीं खा रहा हूँ। अरे ऐसी बात मत किया करो कि जो पानी आ जाए, अब तो मेरे से काम नहीं होगा, बैठ कर पहले कच्चे आम खाएंगे नमक लगा करके। चलो भाई लोग अपना एक काम करो, चलो सभी लोग चारों लोग अपना कितने टोकरे आम अभी तक लाए मुझे बताओ, मैं अपने कंप्यूटर में नोट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तुम्हारे टोकरे के हिसाब से मुझे पैसे देने पड़ते हैं, बताओ फटाफट। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।